नमस्कार दोस्तों, और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया है, एग्जैक्टली आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूं जिसके बाद आप इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम को बहुत ही बढ़िया नंबर के साथ फोड़ के आओगे। देखिए दोस्तों, टाइम काफी कम रह चुका है क्योंकि एग्जाम सिर के ऊपर ही आ चुका है, तो जो भी करना है इसी बचे हुए टाइम के अंदर करना है। तो अगर आपने ठान लिया है कि इस बार 140 प्लस स्कोर करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। फिर आपको एग्जाम में झंडे गाड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो जो भी प्लानिंग में आपके साथ शेयर करता हूं, जो भी गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं, बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, फिर देखिए आप कैसे एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्टेंट भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, इसलिए वीडियो का एक भी सेकेंड मिस नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9583 निकली हुई है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसी है। लेकिन इस बड़ी वैकेंसी के अगेंस्ट इस बार टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए हैं 57,44,713। तो इस बार कॉम्पिटिशन काफी बढ़िया है, जो कि बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा सीरियस हो जाइए। लेकिन दोस्तों, ये नामुमकिन भी नहीं है, पूरी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बाद आप एग्जाम में गारंटेडली झंडे गाड़ के आओगे। और अगर आप रियली में ऐसा चाहते हो तो भाई अभी से अपने एग्जाम तक डेली 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। केवल अपने एग्जाम तक ही आपको ऐसा करना है, क्योंकि आपका एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। आपको अपने एग्जाम तक सब कुछ त्यागना पड़ेगा, मोबाइल फोन, टीवी, मूवीज, दोस्त, सबसे खुद को काट लीजिए, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस है सबसे दूर हो जाइए। फिर चाहे आपको खुद को अपने एग्जाम तक एक कमरे के अंदर ही क्यों ना बंद करना पड़े, लेकिन दोस्तों आपका 100% फोकस प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार एमटीएस के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर नजर डाल लेते हैं। दो सेशंस में आपका एग्जाम डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेशन में आपको रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट देखने को मिलता है। दोनों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। इसलिए सेशन फर्स्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का आपका पेपर होता है। 45 मिनट आपको इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 36 नंबर लाने हैं 120 में से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 120 में से 30 नंबर लाने होते हैं, एसटीएससी वालों को 120 में से केवल 24 नंबर लाने होते हैं। सेशन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। दोनों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 50 क्वेश्चन यहां पर 150 नंबर के हो जाते हैं। 45 मिनट आपके पास टाइम रहेगा इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सेशन सेकंड के एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम का फॉर्मेट है, इसको माइंड के अंदर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भैया आपका पहला काम है क्या। दोस्तों, सबसे पहला काम आपका है डिजाइन योर पाथ, आपको खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा यहीं से। फिर चाहे आपके पास 30 दिनों, 35 हो, 40 या फिर 45 दिनों, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम तक जितना भी टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग अपना एक रास्ता बना लीजिए, जिसके लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 4 बुक होनी चाहिए, 4 सिलेबस होनी चाहिए चारों ही सब्जेक्ट के। क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं आता इन चारों सब्जेक्ट के सिलेबस में, आपको वो अलग निकाल लेना है। ध्यान से सुनिए, फिलहाल आपको क्या क्या नहीं आता किस सब्जेक्ट के अंदर से, वो आपको अलग निकाल लेना है। जितने भी वीक टॉपिक्स है उनको अलग निकाल लीजिए सब्जेक्ट वाइज। आपको सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मेंटेन कर लेने हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारा जनरल अवेयरनेस है, ये सभी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इनमें से आप देखिए कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से कवर नहीं है, जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, जो आपको नहीं आते, जो आपको कम समझ आते हैं, उनको अलग निकालते चले जाइए। ये तो सिर्फ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी आपको अलग निकालने पड़ेंगे। जिस भी बुक से आप जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन करते होंगे उस बुक को अपने सामने खोल कर बैठ जाइएगा और जितने भी वीक टॉपिक्स है उनको अलग निकालते चले जाइएगा। क्लियर है? ऐसा ही दोस्तों करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से जो टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है उनको अलग निकाल लीजिएगा। पढ़ना कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश के टॉपिक्स है और साथ ही मैथमेटिक्स के भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। और दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग को तो आपको क्वेश्चंस के टाइप
टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए परसेंटेज है, परसेंटेज में भी आपको काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा उलझते हो, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होते, उन टाइप के क्वेश्चंस को अलग निकालते हुए आपको चलना है। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक निकाल लेना है और आने वाले पहले 15 दिन को टारगेट कर लीजिए और इन 15 दिन के अंदर इन सभी वीक टॉपिक्स को फोड़ डालिए। इन्हीं से आपको शुरुआत करनी है इस स्ट्रेटजी के बाद। और दोस्तों एक प्रण ले लीजिए, एक प्रण ले लो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स आपको बनाने हैं इन वीक टॉपिक्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। जितने ज्यादा हो सके आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, ताकि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी सभी इंपोर्टेंट नोट्स की हेल्प से पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सको, अच्छे से कवर कर सको। यह फायदा मिलेगा आपको इन नोट्स का, क्योंकि दोस्तों नोट्स आप उन टॉपिक से बना रहे होंगे जो कि ऑलरेडी वीक है, जो कि आपको समझ नहीं आते। तो ये जो नोट्स होंगे ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूजन में है। क्योंकि कहने को तो ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स ने डरा रखा है, क्योंकि अगर इन्हीं में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो यार आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कैसे टकराना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे, तो भाई मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको करना है इन बचे हुए दिनों में, आपको टॉपिक वाइज एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि जितने भी मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताए, ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छे से भी कवर करने की जरूरत नहीं है, इन सभी टॉपिक्स को आप बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इनका बेसिक पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी बुक से इन सभी टॉपिक्स के एग्जांपल्स आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर जाओगे इजीली। कैसे मैं आपको अभी बताता हूं। दूसरी चीज, क्लियर ओवर बेसिक, शुरुआत में बता चुका हूं, इन टॉपिक्स के जो शुरुआती क्वेश्चंस होंगे ना, बेस होगा, वो आप क्लियर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। साथ ही दोस्तों रीजनिंग के, अगर रीजनिंग आती है, अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है, रीजनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाती है, आपको लगता है कि हां क्वालिफाई करने लायक मैं रीजनिंग को कर लूंगा, तो भाई रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, रीजनिंग को आप पढ़ो ही मत, वहीं पर छोड़ दीजिए। क्लियर है? अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन में कुछ डर है, तो केवल चुनिंदा टॉपिक ही पढ़ो। जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे को जो कि आपको उलझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले टॉपिक्स हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं। स्पेशल फोकस करिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग के पीछे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देखिए टोटल 120 नंबर के होंगे मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ 60 नंबर का होता है, रीजनिंग भी 60 नंबर का होता है, 20-20 क्वेश्चन दोनों ही सब्जेक्ट से आते हैं। अगर मैथमेटिक्स के आप 5 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, मतलब 15 नंबर आपके मैथ के अंदर सिक्योर हो गए। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में अगर कम से कम आपने 7 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब 21 नंबर आपके सिक्योर हो गए। कम से कम इतने क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बिलो एवरेज भी है, फिर भी यार दोनों सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 तो मैंने बहुत कम बताए, आप इजिली 8-10 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे अगर आप बिलो एवरेज है, और रीजनिंग में तो आप 12-14 क्वेश्चन इजिली सोल्व करके आ जाओगे। अगर आप 5-7 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो, फिर भी आपके 36 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, और इतने पे आप इजिली सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि दोस्तों सेशन फर्स्ट में जनरल वालों को 36 नंबर लाने कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 30, एसटीएससी वालों को केवल 24 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 120 नंबर, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। बाकी यार टोटल अगर कुल मिला के भी आप दोनों सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन सही कर आते हो, 12 क्वेश्चन, फिर चाहे आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, मैथ के केवल 2 ही क्वेश्चन आप सही करो, या फिर आप रीजनिंग के ही 12 के 12 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, मैथ के क्वेश्चन सारे आपके गलत है, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, केवल यहां पर एसटीएससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को तो केवल 30 और एसटीएससी वालों को तो 24 ही नंबर लाने हैं, यहां पर मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं। तो यार बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ और रीजनिंग के ऊपर फोकस करने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बस अगर आपका बेस क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि मैथ में मैं जीरो हूं तो भाई मैं एमटीएस का एग्जाम स्पेशल आपके लिए ही है। और हाँ दोस्तों, आपके पास इन दोनों सब्जेक्ट की हमारी ये करियर मैगजीन तो होंगी ही। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो कि भैया इन दोनों सब्जेक्ट की टेंशन कैसे खत्म करें, तो यार ये दोनों जो करियर मैगजीन है इनके अंदर दिए गए टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इन करियर मैगजीन के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। बाइलैंग्वल है, हिंदी और इंग्लिश में आती है, आपको पता ही है, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी हेल्प से आप उखाड़ के फेंक दोगे मैथ और रीजनिंग को इजीली, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे तो आपके पास होंगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तीसरी चीज, डेली 2 आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर फोकस करना है। कम से कम डेली 2 घंटों तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करिएगा। अब आप पूछोगे कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए कहां से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑफलाइन मार्केट में आप जाओगे, आपको प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन ऐसे ऑफलाइन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2023 के सभी सोल्ड क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ठीक है। साथ ही इस टाइप की बुक है, इसमें भी 2023 के सभी सोल्ड क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ठीक है। डेली 1-2 भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा। इससे आप पैटर्न अच्छे समझ जाओगे, एमटीएस का फॉर्मेट अच्छे समझ जाओगे कि भाई टीसीएस कौन से सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और टीसीएस का तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन रिपीटेडली देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करने से। केवल एनालाइज नहीं करना, आपको प्रॉपर सोल्व कर करके देखने हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम आए उसको अच्छे से सोल्व करिएगा, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाइएगा। तो डेली कम से कम 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज से कैसे टकराएं, क्योंकि दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर इंग्लिश अकेला आपको देने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर कम 12 क्वेश्चन, 12 या 36, यानी कि 36 नंबर जो आपको देगा वो अकेला वोकैबुलरी देगा, 75 में से 36 नंबर वोकैबुलरी आपको देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5 टाइप की वोकैबुलरी आपके इंग्लिश के अंदर होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फेज और स्पेलिंग एरर, ठीक है। इन 5ों से मिलाकर कम से कम 36 नंबर आपके बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, वोकैबुलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को। देखिए दोस्तों, अपने एग्जाम तक आपको डेली 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है। कैसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने लिखे, अच्छे से लर्न करा, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, आपने उनका हिंदी मीनिंग लिखा और अच्छे से रट्टा लगा लिया, ठीक है। साथ ही 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम, 10 इडियम फेज, 10 स्पेलिंग एरर, डेली आपको 10-10 पढ़ने हैं। अब देखिए दोस्तों, 30 दिन मान के चलिए आपके पास कम से कम है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे 30 दिन तक, तो कितने आपने पढ़ लिए, 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 एंटोनियम डेली पढ़ रहे हो तो 30 दिन तक आपने कितने पढ़ लिए, 300 पढ़ लिए, ठीक है। ऐसे ही 300 सिनोनियम आपके हो जाएंगे, 300 इडियम फेज और 300 स्पेलिंग एरर। ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रॉपर धीरे धीरे चल रहे हो, 10-10 पढ़ते हुए चल रहे हो, अच्छे से माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने एग्जाम तक आप 30 दिन में आप 1500 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। 1500 वोकैबुलरी आपकी उंगलियों पर होंगी, वोकैबुलरी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर इस फॉर्मेट से, इस पैटर्न में आप वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर रहे हो। वोकैबुलरी आप किसी भी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी इंग्लिश बुक के अंदर वोकैबुलरी की लिस्ट दे रखी होती है, जैसे कि हमारी खुद की इंग्लिश की करियर मैगजीन है ना, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट मिल जाएगी, एंटोनियम सिनोनियम की आपको लिस्ट मिल जाएगी, इडियम फेज की आपको लिस्ट मिल जाएगी, स्पेलिंग एरर की भी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 10-10 स्पेलिंग भी पढ़ते हुए चलनी है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और बाकी दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी का इलाज आपका ऑलरेडी कर रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वोकैबुलरी के जबरदस्त मैराथन क्लास आ रही है 6 सितंबर को, शाम 5 बजे चैनल के ऊपर एक फ्री मैराथन आ जाएगी, जो कि डिटेल से हम कवर कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुकी वोकैबुलरी है। इमेजेस के साथ वोकैबुलरी आपको समझाते हुए चलूंगा, डेफिनेशन के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ। उसी के बाद 16 सितंबर को भी एक सबसे ज्यादा पूछी जा चुकी वोकैबुलरी की एक मैराथन आएगी, जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। तो भाई इंग्लिश वोकैबुलरी का इलाज आपको कर रखा है, ये 2 मैराथन की डेट नोट कर लीजिए, बहुत ही जल्द इसी चैनल के ऊपर फ्री आ रही है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी को पढ़ते हुए चलेगा, आपका काम हो जाएगा।
तो ये तो हो गए इंग्लिश के अंदर से वोकैबुलरी की परेशानी खत्म। दूसरी चीज है, इंग्लिश में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि इंग्लिश कैसे पढ़े। वोकैबुलरी तो डेली फोकस करना है, मुश्किल से एक घंटा लगेगा, एक घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा, डेली आधा घंटा वोकैबुलरी को आप दोगे तो एक दिन में आप 50 वोकैबुलरी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो भाई पहले 15 दिन में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक कौन कौन से हैं, लो भाई दे देता हूं वरना आप शिकायत करोगे, लो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ये कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इन सभी टॉपिक्स को बेसिक पढ़िएगा, ठीक है, बेसिक थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, फिर चाहे आप किसी की क्लास ले लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, लेकिन आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अपना बेस कॉन्सेप्ट करना है और ये शुरुआत के 15 दिन में कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर मत कूद पड़िएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। लास्ट 15 दिन में, यानी कि इन 15 दिन के बाद, लास्ट 15 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाइए, हद कर दीजिए बस एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने की, फिर देखिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगी यहां पर आपकी इंग्लिश। वोकैबुलरी की तो चिंता खत्म कर दी है, उसी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जितना ज्यादा हो सके। ये देखिए दोस्तों, हमारी इंग्लिश के करियर मैगजीन आती है, करियर मैगजीन है, बुक नहीं है, बहुत ही छोटी सी है, मोस्ट अफोर्डेबल है, इसके लास्ट 30-40 पेजेस के ऊपर इंग्लिश के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखे जिनको आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो। इसमें इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझा रखी है, अगर इंग्लिश का आपको ई भी नहीं आता तो भाई ये करियर मैगजीन आपका काम कर देगी। साथ ही दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं विद सॉल्यूशन, तो आपकी प्रैक्टिस भी करा देगी और सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो केवल ये एक पतली सी सिंगल करियर मैगजीन इंग्लिश की प्रॉब्लम आपके खत्म कर सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वैसे तो आपके पास होगी ही, क्लियर है। तो भाई उम्मीद करता हूं इंग्लिश की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे पढ़ते हो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस को कैसे उखाड़ के फेंके, जनरल अवेयरनेस यहां पर 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सबसे इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके होता है। अगर आप केवल स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर लो ना, तो भाई 14 क्वेश्चंस आपके वहां से बनेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके पक्के हैं स्टैटिक जीके। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग से नहीं पढ़ रहे, केवल स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक उठा रहे हो और पढ़ रहे हो, फिर भी आपके 14 क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली बन जाएंगे, 14 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। बाकी हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से 1-2 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब स्टैटिक जीके कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, आपको बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये भी आपके लिए कर रखा है। स्टैटिक जीके की अब तक की सबसे बेहतरीन मैराथन क्लास आपके लिए कब आ रही है, 22 अगस्त 2024 यानी कि इसी थर्सडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर एक फ्री सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सभी हम कवर कर रहे होंगे इस 2-3 घंटे की मैराथन क्लास के अंदर। तो स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम मैंने आपकी जड़ से उखाड़ के फेंकने का इंतजाम कर, तो स्टैटिक जीके की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, क्लियर है। ये तो केवल शुरुआत है, आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूं, क्लियर है। तो स्टैटिक जीके यहां से आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों उसी के साथ साथ किस तरीके से जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है, ये हो गया आपका। साथ ही दोस्तों जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, और शुरू अब से स्टैटिक जीके के ऊपर ही फोकस करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पढ़ने का टाइम गया। जो कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से जो कंफ्यूज करते हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़े, उनको कवर कर लीजिएगा, लेकिन जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। जनरल अवेयरनेस की हमारी ये एक करियर मैगजीन आती है, इसके अंदर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्यूशन, विद आंसर। इनके ऊपर अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम में इस करियर मैगजीन से देखने को मिल जाएगा, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कवर कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप 10-15 दिन के अंदर अच्छे से कवर कर लोगे। करियर मैगजीन है बहुत ही पतली सी, शॉर्ट टर्म में, कम टाइम में एग्जाम को फोड़ने के लिए तो हमने करियर मैगजीन बना रखी है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये तो स्टैटिक जीके हो गई, वोकैबुलरी की मैराथन मैंने आपको बता दी। साथ ही दोस्तों मस्ट वॉच अवर शेड्यूल वीडियो, मैंने अभी अभी 3 दिन पहले एक शेड्यूल वीडियो प्रोवाइड करी थी कि भाई आने वाले 1 महीने में एमटीएस एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं,
तो ये वाला जो वीडियो है इसको जरूर देख लीजिएगा, आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है कि भाई क्या क्या क्लासेस, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट, क्या स्टडी मटेरियल आपके लिए आ रहा है, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का एक हिस्सा है करंट अफेयर, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 18 मंथ, पुराने 18 महीने, पिछले 18 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है। वन टॉपिक इन 2 डेज, एक टॉपिक उठा लीजिएगा करंट अफेयर का। टॉपिक कौन कौन से हैं करंट अफेयर के, लो भाई ये भी प्रोवाइड करा देता हूं आपको। ये सभी टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट है, ठीक है, ओलंपिक वगैरह सब कुछ आएगा इसमें। नेशनल और स्टेट लेवल की स्कीम है, इंडेक्सेस हैं 2023-24 वाले, अवार्ड अपॉइंटमेंट, नई नियुक्तियां, बुक और ऑथर, इंटरनेशनल समिट, नेशनल और स्टेट स्कीम आ चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट डेज और थीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, सीएम, गवर्नर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे करंट अफेयर के टॉपिक हैं। तो भाई आपको एक एक टॉपिक उठाना है, 2 दिन में पढ़ना है, एक टॉपिक को 2 दिन में पढ़ना है। कैसे, एक दिन पढ़ो उस टॉपिक को, एक दिन पढ़ो, मान के चलिए डेज और थीम है, पूरा टॉपिक आपने एक दिन पढ़ा, पूरे साल में जितने भी महत्वपूर्ण डेज है उनके थीम आपने एक दिन में पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितने भी लगेंगे, ठीक है। फिर एक दिन उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, आज पढ़ा कल उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज आपको करना है, ये नहीं सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जम नहीं है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर दूसरा टॉपिक उठाया, फिर उसके अगले दिन उस टॉपिक को रिवाइज करना है, ऐसे करते हुए चलना है। दूसरी, 1 मंथ करंट अफेयर इन 2 डेज, साथ ही आपको मंथली भी करंट अफेयर कवर करते हुए चलना पड़ेगा। मान के चलिए जनवरी 2023 के आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो जनवरी आपने उठाया, पूरा दिन जनवरी के करंट अफेयर पढ़िए, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, ठीक है, या फिर 3 घंटा लगे। फिर अगले दिन फरवरी 2023 के करंट अफेयर नहीं पढ़ना, अगले दिन आपको वही करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करने हैं जो आपने पहले दिन पढ़ा था, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स आपको मंथ वाइज भी पढ़ने हैं। तीसरी चीज, स्टैटिक जीके को एक और तरीका बताता हूं पढ़ने का। स्टैटिक जीके 1 टॉपिक इन 2 डेज, ऐसे ही आपको स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक उठा लेना है, जो मैं मैराथन आपको प्रोवाइड करूंगा उस मैराथन में से टॉपिक वाइज आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और एक टॉपिक को या फिर कोई भी बुक लीजिएगा, स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ये रहा, ये सभी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक टॉपिक उठाइए, मान के चलिए आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल या फिर बुक और ऑथर उठा लिया, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए एक दिन, अगले दिन उसको अच्छे से रिवाइज करिए, फिर दूसरा टॉपिक उठाइए, फिर उसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है, ठीक है, प्रॉपर टाइम देके पढ़िएगा, फिर देखते हैं कैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो इस तरीके से आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई डेली एग्जाम तक अपने 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इन 12 घंटे को लगातार आपको नहीं पढ़ना है, इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, डिवाइड इन 4 to 5 phases, इन 12 घंटे को 4 से 5 phases में डिवाइड कर लीजिए, 4 से 5 time slots में डिवाइड कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपने 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे डिवाइड कर लिया। लगातार मत पढ़िएगा कि भैया लगातार बैठे हो और 4-5 घंटे तक पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करिएगा, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में प्रॉपर रेस्ट ले लेके आपको पढ़ना है, फिर चाहे बीच में आप आधा है, फिर 1 या फिर 2 घंटे का ही रेस्ट क्यों ना ले रहे हो। अब ये जो जितने भी लॉन्ग टाइम स्लॉट्स होंगे, मान के चलिए आपने कोई 3 घंटे का टाइम स्लॉट बना लिया है, आपको लगता है कि मुझे डेडिकेटेडली जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, तो कैसे आप पढ़ोगे। तो इस 3 घंटे में भी आपको क्या करना है, 3 घंटे हैं, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे ले लेके पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों हमारे माइंड को भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है चीजों को एनालाइज करके अच्छे से स्टोर करने का, तो उसको टाइम दीजिएगा। लगातार 2-3 घंटा नहीं पढ़ना है, 50 मिनट पढ़िएगा और 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि हमारे माइंड की एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, हमारा माइंड अच्छे से फोकस केवल 50 मिनट तक ही कर पाता है, उसके बाद हमारा फोकस हटने लगता है, तो आप खुद हटा दीजिएगा फोकस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो टाइम स्लॉट में पहला टाइम स्लॉट है, मान के चलिए आपने जीएस उठा ली, दूसरे टाइम स्लॉट में करंट अफेयर उठा लिया, तीसरे टाइम स्लॉट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, चौथे टाइम स्लॉट में आप वोकैबुलरी या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, पांचवें टाइम स्लॉट में आप रिवाइज कर रहे हो रात में, ठीक है, 1 घंटे में रिविजन को दे दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। सेकेंड स्टेप, डेली 1 आवर रिविजन, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने दिन भर पढ़ा, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे में से सॉरी आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे में से जो 11 घंटे आपने दिन पर पढ़ा, 1 घंटा आपको जो दिन में पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत ही डीपली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की साबित होगी आपके प्रिपरेशन में, रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
जो दिन भर पढ़ा उसको रात में रिवाइज करके जरूर सोइएगा, बिना रिवीजन के आगे मत बढ़िएगा, ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्पेशल मंत्रास क्या हैं, क्या करना है आपको स्पेशली। पहला, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। काफी सारे लोग कोचिंग क्लासेस या फिर लाइव क्लासेस के भरोसे बैठे रहते हैं, नहीं, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को नहीं दोगे इतनी बढ़िया इफिशियंसी निकल के नहीं आएगी, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, हेल्प ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं लेकिन जितना ज्यादा हो सके लाइव क्लासेस को अवॉइड करिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनके ऊपर फोकस करिएगा, ऐसे आप पढ़ पाओगे, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर कर पाओगे। नंबर 4, स्पेशल फोकस ऑन मैराथन क्लासेस, जितना ज्यादा हो सके मैराथन क्लासेस के ऊपर फोकस करिएगा। लास्ट टाइम में काफी सारे जो बढ़िया टीचर्स होते हैं ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन कंडक्ट कराते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ पाओगे, ठीक है। जीएस का तो खेल हम खत्म ही कर रहे हैं, क्योंकि 22 अगस्त को थर्सडे के दिन जनरल अवेयरनेस के जबरदस्त मैराथन इसी चैनल के ऊपर आ रही है, जिसके बाद आप बोलोगे कि यार कमाल हो गया, अब तो जनरल अवेयरनेस की टेंशन ही खत्म। नंबर 5, डेली एंड वीकली रिवीजन, डेली तो आपको रिवीजन करना है, साथ ही वीकली भी रिवीजन रखिएगा। जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा एक दिन हफ्ते में पूरे को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। 6th पॉइंट, डीप रिवीजन 5 days बिफोर एग्जाम, जब एग्जाम के लिए केवल 5 दिन बच जाए, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरा 5 अक्टूबर 10 अक्टूबर को एग्जाम है, तो एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना छोड़ दीजिएगा। कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ना ही आपको ऑनलाइन या फिर लाइव लेक्चर वगैरह लेने हैं, ठीक है। आपको केवल रिवीजन करना है, आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, केवल रिवीजन के ऊपर फोकस करेगा। पूरे सिलेबस को जो आपने 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत ही डीपली शांत दिमाग के साथ रिवाइज करिएगा। तो ये लास्ट के 5 दिन है ना, रिवीजन को आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, फिर चाहे कोई कितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको क्यों ना प्रोवाइड करा दे। 7th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल ऑन 27th August 2024 at 5 PM। आपके लिए 27 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईबुक की फॉर्म में स्टडी मटेरियल आ रहा है टॉपिक वाइज, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल है। बहुत सारे लोग इस आखिरी टाइम में इसी तो कंफ्यूजन में है कि भैया कहां से पढ़े, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हो, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो भैया हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त स्टडी मटेरियल ईबुक की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, जिनको आप इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके घर बैठे पढ़ सकोगे। खास बात यह है कि बहुत ही कम टाइम में आप एकदम सटीक कंटेंट, सटीक मटेरियल पढ़ सकोगे। तो भैया 27 अगस्त को शाम 5 बजे ये एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल आपके सामने खोल के रख दूंगा, आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लास्ट टाइम में अच्छे से सटीक तैयारी कर पाओगे। तो भैया ये था वो गुरु मंत्र, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, हर एक चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस करिएगा, अच्छे से काम करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, रियली में बेनिफिट मिलेगा। बाकी टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है, कि भैया पूरे दिन में मुझे किस चीज को कितना टाइम देना है, क्योंकि सबसे पहले जो आपकी शुरुआत होगी ना वो वीक टॉपिक से होनी चाहिए, जो जो वीक टॉपिक्स है ना उनसे आपको शुरुआत करनी है। ये नहीं कि भैया पूरे सिलेबस को दोबारा से पढ़ने लग गए, कोई फायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। जो वीक टॉपिक है ना उनको पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।